नू में हुई हिंसा के बाद अब भी प्रदेश के कुछ इलाकों में छिटपुट घटनाएं हो रही है। दरअसल शुक्रवार देर रात करीब 10:30 बजे रोहतक के आंवल गांव में बने मस्जिद में कुछ अज्ञात लोगों ने ईंट पत्थर फेंके। इस घटना के दौरान वहां मस्जिद के इमाम और उनके परिवार सहित कुल 6 लोग मौजूद थे। इमाम ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे मस्जिद पर कुछ लोगों ने ईंट पत्थर फेंके। उस समय मैं और मेरे परिवार के कुछ सदस्य मस्जिद में ही थे। मस्जिद में ईंट फेंके जाने पर हम सभी डर गए थे। उसके बाद पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस यहां पहुंची और अब सब ठीक है। इस समय हम रोहतक जिले के गांव आवल में हैं, जहां पर एक पुरानी मस्जिद है और उस मस्जिद में जो मौलवी हैं इकबाल, वो बता रहे हैं कि रात को करीब 10 बजे कुछ लोगों ने 10:30 बजे के आसपास कुछ लोगों ने यहां पर पत्थर फेंके हैं। उनसे बात करते हैं। इकबाल जी, जिस तरह से कब की घटना, क्या किस समय आपको? तकरीबन 10:30 बजे की बात है। अच्छा, तो कितने मतलब देर पत्थर बाजू को जैसे पत्थर फेंकने लगे तो फिर हम अंदर चले गए जी, अंदर बंद करके उसके बाद हम फोन किए। अच्छा जी, तो कितनी देर पत्थर फेंके हैं? तकरीबन 1-2 मिनट फेंके, 2-3 मिनट। ये हम तो अंदर चले गए, फिर उसके बाद हम जब तक कोई नहीं आया तो जो चौकीदार आए उसके बाद हम फिर निकले। बाहर तो डर लग गया था जी, उस वक्त तो हम डर गए थे। तो उसके बाद पुलिस को फोन किया जी, पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस भी आई। पुलिस आई जी। वो अभी और कैसा है? या अब तो ठीक है। यहाँ कितने लोग रहते हैं? ये हम 6 जने हैं। 6 जने रहते हैं जी। तो यहाँ मस्जिद में आप नमाज और क्या काम करते हैं? जी नमाज पढ़ते हैं बस। आसपास के लोग आज भी आए थे? नहीं, कोई आदमी नहीं आया था आसपास का। आज नहीं आए थे जी? आज कोई नहीं आए थे, बस पुलिस आए थे रोड। तो जिस तरह से नो की घटना हुई है, उससे डरे हुए आप लोग? उससे तो हमें नहीं, यहाँ क्योंकि सोच रहे थे हम शांति बना हुआ है, भाईचारा तो अच्छा है, हमें तो कोई ऐसा शक नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा पत्थर हो गया। वही गांव के सरपंच ने कहा कि गांव में मस्जिद पर ईंट पत्थर फेंकने की कोई ऐसी बात नहीं हुई है। अच्छा, क्या हुआ था? ऐसा कुछ नहीं, रात को कॉल आई थी, बोल रहे थे ऐसे ऐसे कोई उधर व्यक्तियों ने यहाँ पर झगड़ा किया है, डले वगैरह बगाए, मगर यहाँ पर मैंने चौकीदार को वो इतला दी, चौकीदार बता कि यहाँ ऐसा कुछ कोई माहौल नहीं है, मगर प्रशासन भी पूरा यहाँ पर मौजूद था, प्रशासन ने भी यहाँ आके इंक्वायरी की, ऐसा कोई माहौल गलत नहीं मिला यहाँ। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, अगर पत्थरबाजी हुई होती तो यहाँ माहौल कुछ अलग होता, ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसके कारण यहाँ पर पूरा प्रशासन अब भी मौजूद है और मैं भी पूरी रात का ही मौजूद हूँ। बहरहाल अब पुलिस जांच में ही ये खुलासा होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।